चलिए बजेंगे स्टॉक्स को पे, ऐसी कंपनियां जहां पर खबरें होती हैं, खबरों के चलते एक्शन होता है, उस पर आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए ये बताएंगे नितले जी। खबर बता देते हैं हम और एक एक करके तमाम कंपनियां लाते हैं और उस खबरों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और ये है आज खबर जो है एंड्योरेंस पर आई है। हालांकि ये खबर थोड़ी सी एक दो दिन पुरानी है, लेकिन शेयर में मोमेंटम था और इतना ज़्यादा मोमेंटम था कि मुझे लगा कि इस शेयर को डिस्कस करना चाहिए आज कार्यक्रम के अंदर। मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों को में बढ़ोतरी की है। शेयर पर बाय रेटिंग के साथ अब लक्ष्य बढ़ा करके 2000 रुपये कर दिया गया है एंड्योरेंस के ऊपर। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कुछ एक और खबरें भी थी पहले कुछ दिनों के अंदर, उसके चलते मोमेंटम में जो है बनना हुआ दिखाई दिया है। शेयर में एक महीने के अंदर जो है 22% से ज़्यादा की तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बढ़त जो है शेयर के अंदर बनी हुई है। सर, अगर आप ट्रैक करते हो एंड्योरेंस के ऊपर, आपकी राय जानना चाहेंगे। 2107 का भाव अब देखने को मिल रहा है, तो जो इसके ऊपर टारगेट दिए गए थे उसके ऊपर तो निकल चुका है शेयर ऑलरेडी, तो अभी क्या करना चाहिए? क्या अभी भी फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है यहाँ पर, जिस तरीके से शेयर तेजी से ऊपर जा रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से हो गया है इसका, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर में ऑलमोस्ट 20% के आसपास उसने हाई लगाए थे, और 2021 के हाई जैसे ही क्रॉस किया कंसोलिडेशन करके और ऊपर के साइड में बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिले, तो अभी ये स्टॉक को अवॉइड करें, क्योंकि हायर लेवल से फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो अभी अवॉइड करें। जिनके पास है वो क्या प्रॉफिट बुक कर लें अब? जी, डेफिनेटली प्रॉफिट बुक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। और अगली खबरी है, खबर आई है एस्टर डीएम हेल्थ केयर को लेकर के। कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि 4% से ज़्यादा की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। खबर दिखा दीजिए जरा पहले कि आखिर में किस वजह से ये तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दो तीन खबरें यहाँ पर निकल करके आई थी, इसके चलते यहाँ पर एक मजबूती देखने को मिल रही है। ये खबर क्या है जरा ये दिखाइए पहले आप, तो मुझे लगता है शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। हाँ, कंपनी की उत्तर पश्चिम भारत में विस्तार की योजना है, एक्सपेंशन प्लान है उत्तर भारत और पश्चिम भारत में। अभी तक कंपनी दक्षिण भारत पे जो है वो जो है विस्तार कर रही है, और विस्तार के लिए कंपनी की जो एक्विजिशन है और मर्जर है इसको लेकर के कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया मीडिया को कि कंपनी की जो है वो मर्जर एक्विजिशन के ज़रिए जो है आगे बढ़ने की योजना है। उत्तर भारत में जो है यूपी के बाज़ार में, उत्तर प्रदेश के बाज़ार में कंपनी की उतरने की योजना है, और पश्चिम बाज़ार में कंपनी की पुणे में से शुरुआत करने की आवश्यकता है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में आपको बता दें कंपनी के 19 हॉस्पिटल ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन उत्तर भारत और पश्चिम भारत में प्रेजेंस नहीं है, उसको लेकर के कंपनी ये अपना विस्तार कर रही है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज कंपनी के शेयर में सुबह के कारोबारी सत्र में जो है 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी, और अभी अगर हम देखें तो भी 4.25% ऊपर है, 419 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, आपकी सलाह, आज अच्छे खासे मोमेंटम में है शेयर? देखो, ये स्टॉक एक बार के लिए 405 आपकी फिर से, अगर ये 420 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ पे लॉन्ग करके चलना चाहिए, 400 रुपए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कंडीशन में एक बार वेट कर देते हो 405 के आसपास लूप लगा के फिर से 420 के ऊपर निकलना चाहिए, क्योंकि जनरली काफी बार हम लोगों ने देखा है जब भी कोई स्टॉक में एक अच्छा खासा न्यूज आता है तो वहां से एक बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ऊपर के साइड में ट्रैप नहीं होना है, तो इस ट्रैप से बचने के लिए थोड़ा सा एक हम लोग पैतरा इस्तेमाल कर सकते हैं कि लोअर लेवल टेस्ट करके फिर से अगर इसमें रिबाउंड देखने को मिलता है तो लोअर लेवल आपका क्या हो सकता है स्टॉप लॉस। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और राज्य रेलवे क्षेत्र को लेकर के खबर आई है, और जुपिटर वैगन को लेकर के ये खबर आई है, और इसके चलते आज मोमेंटम जुपिटर वैगन के अंदर देखने को मिल रहा है। खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय से कंपनी को 473 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर किस लिए मिला है? कंपनी को एक विशेष तरह के 697 बोगी ओपन मिलिट्री जो है BOM वैगन की सप्लाई के लिए ये मिला है। ये जो वैगन होते हैं, आपको बता दें कि जो आर्टिलरी गन्स होती हैं, हल्के वाहन होते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को कैरी करने के लिए इन वैगन्स का इस्तेमाल होता है BOM का, तो वो जो है 647 वैगन बनाने के लिए ये ऑर्डर मिला है। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि जुपिटर वैगन के अंदर एक अच्छी मजबूती 2.5% के आसपास की देखने को सुबह मिल रही थी, और अब ये शेयर 4% से ज़्यादा ऊपर है, 4.25% ऊपर, 344-345 का भाव अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो अच्छे खासे मोमेंटम में शेयर ट्रेड करता हुआ। जुपिटर वैगन सर, आज बड़े ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, उसके चलते मोमेंटम में है, आप कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पर इसको?
देखो 350 के ऊपर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 335 रुपीज के आसपास का, ऊपर में 380 से लेके 400 आपके टारगेट हो सकते हैं। देखो एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, चार्ट को देखिए, थोड़ा सा लो वॉल्यूम काउंटर मुझे लग रहा है, और यहाँ पे सर्किट वाला सिनारियो भी है, तो अपनी क्वांटिटी काफी कम रखे, चाहिए पहले प्रॉफिट कम हो जाए लेकिन बड़ी क्वांटिटी देके फंसना नहीं है। 350 आपके लिए पिकआउट वाला लेवल हो सकता है। जी चलिए, इस बीच जो है अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और दो ही क्षेत्र चल रहे हैं। जी हाँ, एक रेल चल रहा है और एक रक्षा चल रहा है। रेल पे बात हो गई जुपिटर वैगन को लेकर के, अब रक्षा को लेकर के बात कर लेते हैं। डिफेंस में जो है आज अचल के ऊपर खबरें हैं। आपको बता दें कि यूबीएस ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की है, और यूबीएस ने जो है बाय रेटिंग के साथ शेयर पर जो है लक्ष्य जो है बढ़ा करके अब 3600 रुपये कर दिया है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि आज आज जो है आज के दिन जो है कंपनी की जो मार्केट है वो पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुकी है। और आपको बता दें कि 2021 में जो है 2021 में जो है जो 80,000 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप थी, जो अब 2 लाख करोड़ के पार हो गई है। 2026 तक कंपनी की ऑर्डर बुक 2.4 लाख करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। और आपको बता दें 2023 में कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी वो 80,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो इसी उम्मीद में जो है आज हम देख रहे हैं कि यूबीएस ने जो है इस पर बाय रेटिंग दी है, जिस तरीके से लगातार जो है इस कंपनी को जो नए ऑर्डर्स जो है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी अगर देखें तो अचल के शेयर में अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3.75% ऊपर अभी भी करीब 3,000 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। अचल सर, शानदार मूव देखने को मिला है, शेयर ने क्या रिटर्न दिए हैं? 1 महीने के अंदर 17-18%, 6 महीने के अंदर 60%, और इस साल की बात करें तो 138% का रिटर्न एचएल के शेयरों में आता हुआ दिखाई दिया है। और कितना अपसाइड है सर यहाँ पर, और क्या फ्रेश एंट्री कहाँ पर ले सकते हैं? देखो मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री तो नहीं लेना चाहूंगा, 2200 से लेके 25 सॉरी 2300 इस रेंज में मिलता है, तो यहाँ पे मैं लेना पसंद करूंगा यहाँ से 25% करेक्शन के बाद, क्योंकि यहाँ पे देखो राउंड नंबर फैंसी खेला जाता है, काफी बार 3000 का ब्रेकआउट आ गया, फिर साथ साथ पॉजिटिव न्यूज भी आ गई, तो यहाँ पे रिटेल काफी बार फैंसी में लेना पोजिशन शैडो कर देते हैं कि 3000 के ऊपर सस्टेन होता है। लास्ट टाइम भी अगर हम लोग देखेंगे तो 22000 वाला जो फैंसी नंबर निफ्टी फ्यूचर्स में खेला गया था, तो वहीं से मार्केट में एक तेज बिकवाली देखने को मिली थी, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फिर स्ट्रॉन्ग अवॉइड करनी चाहिए। नीचे में मिलता है स्टॉक तो यहाँ इस स्टॉक को लेना चाहिए, स्टॉक काफी अच्छा है और अच्छा मेरा फेवरेट भी स्टॉक है, क्योंकि ये जब चलने लगता है तो काफी बड़ा मूवमेंट भी देता है, तो लोअर लेवल में मिलता है तो यहाँ से करेक्शन आता है 20 से 25% का, तो इस स्टॉक को लेना चाहिए, फिर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अवॉइड। फ्रेश लॉन्ग अवॉइड कीजिए, ये आपके लिए सलाह निकल करके आती है। तमाम लोगों के पास डिफेंस क्षेत्र में शेयर होंगे तो ये सलाह यहाँ पे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए, ये भी रक्षा क्षेत्र से है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र ही आजकल जो है सबसे ज़्यादा बजिंग चल रहा है। तो अचल के बाद अब बात कर लेते हैं BEML की। BEML पे खबर ये है कि आपको बता दें रक्षा मंत्रालय से कंपनी को 329 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिला है। और ये जो ऑर्डर कंपनी को मिला है वो किस चीज़ के लिए मिला है? मैकेनिकल माइनफील्ड मेकिंग इक्विपमेंट के लिए ये ऑर्डर मिला है, इसके रख रखाव के लिए जो है ये ऑर्डर मिला है। एमी जो होती है उसका इस्तेमाल कम समय में सुरंग बनाने के लिए जो है इनके उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, और उसी के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। और उसी के चलते शेयर में जो है वो 5% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। और अभी अगर हम देखेंगे क्या स्थिति देखने को मिल रही है BEML के शेयर में, तो अभी भी अगर हम देखें तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। अभी भी 4.5% से ज़्यादा की मजबूती, 3029 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और रक्षा क्षेत्र की कंपनी सर, यहाँ पर भी काफ़ी शानदार मूव, 1 महीने में 25-26% का रिटर्न, 6 महीने में 90% का रिटर्न, और पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न। आपकी राय क्या रहेगी BEML के ऊपर? देखो एक बार इस स्टॉक 2800 से लेके 2750 इस रेंज में अगर आता है तो 2680 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2680 2750 के आसपास यहाँ पे आप पोजीशंस बना सकते हो। क्या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट आता है ये 2950 के आसपास, और फिर अगर ये 3050 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो फिर 2950 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो दो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो इसमें क्या करके चलना चाहिए, लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करना चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और कंपनी जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है हाल फिलहाल में, और इसके बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे थे, और वो है सुजलॉन एनर्जी। जी हाँ, एक तरफा रैली यहाँ पर देखने को मिली थी और अब कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन आज यहाँ पर एक अच्छी खबर है कि एवर रिन्यू एनर्जी से कंपनी को 225 मेगावाट का नया ऑर्डर मिला है। आपको बता दें
MW सीरीज के तहत कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, और इसके चलते आज हम देख रहे हैं सुजलाम एनर्जी में थोड़ा सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा एक और खबर आई है यहाँ पर, एम्फी जो कि म्यूचुअल फंड की नियामक संस्था है, उसमें के उसके मुताबिक ये कहा गया है कि अब मिड कैप श्रेणी में आने वाले समय में भी इसको शामिल किया जाएगा सुजलाम एनर्जी को, यानी म्यूचुअल फंड के जो मिड कैप इंडेक्स होंगे, मिड कैप फंड्स होंगे, वो इसको अब खरीद कर सकते हैं। पहले इसको स्मॉल कैप में रखा गया था, और अब सुजलाम एनर्जी का शेयर जो है मिड कैप इंडेक्स में शामिल होगा। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि सुजलाम एनर्जी में सकारात्मक रुझान सुबह देखने को मिल रहा था, करीब 1.5% के आसपास की तेजी थी। अभी अगर हम देखें तो अभी भी करीब पौने 2% के आसपास की बढ़त है। सर, एक तरफा रैली देखने को मिली, और पिछले कुछ समय से थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन बुरी तरीके से गिरा नहीं है, उन्हीं लेवल्स के आसपास जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अभी क्या सलाह रहेगी आपकी सुजलाम एनर्जी पर? 37 रुपीज का ट्रेल करो स्टॉप लॉस, और स्टॉक में बने रहे, मोमेंटम स्टॉक में है, तो यहाँ पे आप 37 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। जब ये स्टॉक 7 रुपए 8 रुपए 12 रुपए के आसपास ट्रेड करेगा तो नहीं, इसमें एक चीज कहता था कि स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, तो लोग उसको नहीं लेते थे कि यार नहीं चलेगा, लेकिन इतना चलने के बाद थोड़ा सा लेना काफी मुश्किल भरा हो सकता है। जब 3 वीक का मैं 90 रुपीज का टारगेट दे रहा था लास्ट ईयर से, तो लोग मजाक उड़ाते थे, अभी 90 रुपीज स्क्रीन के ऊपर देखने के बाद उनको लगता है कि यहाँ से फिर ये स्टॉक 30 रुपये चला जाए। जब लेने का समय होता है तो वहां पे आपको लेना चाहिए, तो अभी जिनके पास भी पोजिशन है वो 37 रुपीज स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करें, मेंटेन करें। ठीक, चलिए इस बीच अब फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।